हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसका हम ये चौथा वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी विद्यार्थी कमज़ोर अपने आप को समझते हैं वो कमज़ोर नहीं समझे, आप प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई करें, आपकी पढ़ाई क्लास 10th का बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक बात है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का प्लेलिस्ट दिया गया है, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको चैप्टर वाइज सभी वीडियो मिलेंगे, चाहे वो क्लास 10th का फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का। तो वहां से जाकर आप प्लेलिस्ट के अनुसार इस वीडियो को देखने के बाद प्लेलिस्ट के अनुसार आप पढ़ाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला आता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण हम किसे कहते हैं? तो सिंपल वे में अगर हम ऐसे सामान्य भाषा में कहें तो देखिए, कोई भी रासायनिक समीकरण है तो किसी रासायनिक समीकरण के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, तो उस समीकरण को ही हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, बट आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो एक एग्जांपल से ही हम आपको समझाते हैं, तो जस्ट हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल हम ले लेते हैं, मान लेते हैं मैग्नीशियम को लेते हैं और इसे ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं या हम कह सकते हैं जलाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें प्राप्त होता है, ठीक है, ये हमें प्राप्त होता है। समझ के, हमने क्या कहा, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर या गर्म करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो ये एक क्या है, ये एक रासायनिक समीकरण है। ये सब रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं ये सब हमने पढ़ा दिया है, तो ये एक रासायनिक समीकरण है। तो हमने केवल यही बताया कि किसी रासायनिक समीकरण में, हमने क्या कहा, किसी रासायनिक समीकरण के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर होती है तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब इतनी बात बेसिक हम जानते हैं कि इधर वाला जो होता है, इधर वाले को हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, और इधर इन दोनों से जो मिलकर बनता है, मतलब इधर वाला जो, उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद बनता है, उत्पाद कहते हैं। मतलब अभिक्रिया से पहले वाले जो पदार्थ होंगे अभिकारक कहेंगे, अभिक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात जो बनने का पदार्थ उसे हम उत्पाद कहते हैं। तो देखिए, अब देखते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या यह संतुलित है। तो देखिए, यहाँ पे मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम की संख्या कितनी है, एक है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक ही ना है, तो मैग्नीशियम की संख्या है एक। यहाँ पे देखेंगे तो मैग्नीशियम की संख्या है एक, उसके बाद ऑक्सीजन की संख्या है यहाँ पे दो, और इधर ऑक्सीजन कितना है, एक है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, तो इसका मतलब इसको दो करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर गुणा करा देंगे दो का। तो जैसे ही हमने दो का गुणा कराया तो दो जाएगा ऑक्सीजन से, तो मतलब दो ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अब देखेंगे दो ऑक्सीजन हो गया तो दो मैग्नीशियम भी तो हो गया, तो अब मैग्नीशियम दो होने के कारण अब इधर भी हमें दो का गुणा कराना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए, मैग्नीशियम दो है तो यहाँ पे भी मैग्नीशियम दो है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी दो है तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन दो है। तो अब ये जो समीकरण हुआ ये है संतुलित रासायनिक समीकरण। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे परिभाषा। आप क्या कहेंगे, किसी रासायनिक समीकरण के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर होती है तो उस समीकरण को, मतलब उस रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यही बात हमने परिभाषा में भी लिखा हुआ है, चलिए यहां से भी समझ लेते हैं। हमने लिखा है, जब रासायनिक समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो आशा करते हैं कि बेसिक बात है, ठीक है, इतनी बार हमने परिभाषा भी यहां से दो बार बोल दिया, समझ गए होंगे, ठीक है। तो आते हैं अब दूसरा हमारा, ये है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके केवल क्लास 10th के लिए नहीं, क्लास 11th में, क्लास 12th में जाएंगे या आगे भी आप जाएंगे तो उसके लिए आगे तैयारी भी करेंगे तो उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। कहा जा रहा है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखें, ठीक है, तो ये आपको सीखना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, हमने यहाँ पे लिखा है कि सर्वप्रथम अधिकतम परमाणुओं की संख्या को,
संख्या वाले तत्वों को संतुलित करते हैं, ठीक है। उसके उसके बाद यहाँ पे बाद होगा, ठीक है, उसके बाद शेष तत्वों को संतुलित करते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा शायद, ठीक है। देखिए, मतलब यहाँ पे कहा गया कि कोई भी रासायनिक समीकरण ऐसा दे दिया जाएगा तो उसमें हम सबसे पहले ऐसे तत्वों को मतलब संतुलित करेंगे जिसका संख्या अधिक होगा। जैसे यहाँ पर हमने MgO जैसे एक एग्जाम्पल से ही हम समझाते हैं, ठीक है। देखिए, ये ज़्यादा इस पर आपको मतलब ध्यान दे देना है, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि इसको लिखना अनिवार्य है, ठीक है। बस हमने सिंपल में लिखने के लिए, जिससे आपको आसानी तरीके से समझ में आए, इसके लिए हमने लिखा है। जैसे यहाँ पे ये बताया जाता है, मान लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं, ये पहला हम एग्जांपल लेके आपको समझा रहे हैं। मैग्नीशियम है और यहाँ पे ऑक्सीजन हमने ले लिया और इसको हमने क्रिया कराया तो MgO हमें प्राप्त हो गया। तो ये एक रासायनिक समीकरण है। क्या है एक रासायनिक समीकरण? तो यहाँ पे केवल यही बताया गया कि सबसे पहले हम किसे संतुलित करेंगे। ये रासायनिक समीकरण है तो इसमें ये भी है, ये भी है, तो पहले हम इसको करेंगे या इसको। तो इसका एक रूल होता है कि जो जिस परमाणुओं की संख्या अधिक होती है उसे हम सबसे पहले संतुलित करेंगे। तो मैग्नीशियम की संख्या है एक, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या है दो, तो पहले ऑक्सीजन को हम इधर देखेंगे कि ऑक्सीजन इधर दो है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद शेष तत्व, शेष जो बचा हुआ है उसको संतुलित करेंगे। तो वही बात हमने लिखा है कि सर्वप्रथम अधिकतम परमाणुओं की संख्या को, संख्या वाले तत्वों को संतुलित करते हैं। मतलब अधिकतम परमाणुओं वाली संख्याओं को, संख्याओं वाले तत्वों को पहले संतुलित करेंगे, उसके बाद शेष तत्वों को संतुलित करते हैं, ठीक है। अब इसको हम संतुलित करके अभी हम आपको बता देते हैं। देखिए, संतुलित आपको आराम आराम से करना है क्योंकि क्लास टेंथ में है, अभी बेसिक आपको सिंपल वे में हम बता रहे हैं। तो देखिए, मैग्नीशियम हम ऐसे ही लिख देंगे पहले। देखिए, ये तत्व अधिक है, इस तत्व ऑक्सीजन तत्वों के परमाणु यहाँ पे दो है, तो इसको हम संतुलित करेंगे। तो देखिए, ऑक्सीजन हमने इधर लिख लिया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है ना, यहाँ पे तो एक ही है, दो करना है, तो हम क्या करेंगे, MgO लिखेंगे। और यदि हम यहाँ पे दो का कर देते हैं, आप ध्यान से समझेंगे, मैं इधर रेड से ही लिख रहा हूँ जिससे आप समझ में आए। देखिए, यहाँ पे हमने दो से कर दिया तो दो यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, दो मैग्नीशियम भी हो गया। परंतु यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, परंतु यहाँ पे दो मैग्नीशियम है, इधर दो मैग्नीशियम भी हो गया परंतु इधर दो मैग्नीशियम नहीं है। तो अब हम इधर भी दो का गुणा कराएंगे। तो इधर दो का गुणा कराने के लिए हम लिखेंगे Mg+O2, और फिर से ये क्या लिखेंगे, 2MgO, और यहाँ पे हम केवल क्या करा देंगे, दो का गुणा, ठीक है। तो अब देखिए, दो मैग्नीशियम, इधर भी दो मैग्नीशियम, दो ऑक्सीजन, इधर भी दो ऑक्सीजन। तो ये जो अब आपका हुआ, ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया, ठीक है। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। ऐसे ही एक और हम एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे देख लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं तो H2O बनाते हैं, ठीक है, मतलब जल का निर्माण करते हैं। अब हम देखेंगे क्या ये संतुलित है, बताइए क्या ये समीकरण संतुलित है, ठीक है। तो देख लीजिए, आप ही ऐसे भी देख सकते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पे दो है, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या है दो, ऑक्सीजन यहाँ पे दो है, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या है एक, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे संतुलित नहीं है। अब इसको संतुलित करने के लिए सबसे पहली बात कि हम सिंपल में क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे H2+O2, और इधर H2O हम लिख देंगे। अब देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन मतलब एक है, इधर है दो, तो हमें दो का यहाँ पे गुणा करा देंगे तो दो ऑक्सीजन हो गया। परंतु एक बात ध्यान देंगे कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन था और दो का गुणा करा दिया तो दो दूना चार, अब यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया है, इधर तो दो ही हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब इधर भी अब दो से हम गुणा कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे H2+O2, यहाँ पे 2H2O, इधर हम क्या करा देंगे, दो का गुणा। तो अब देखिए, दो दूना चार हाइड्रोजन हो गए, फिर से ऑक्सीजन, चार हाइड्रोजन, इधर भी चार हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन, इधर भी दो ऑक्सीजन। तो ये आपका समीकरण जो हो गया, संतुलित हो गया। तो ये कुछ था बेसिक जो हमने एग्जांपल से आपको समझाया। अदरवाइज आपका इससे काम इतने से ही नहीं होने वाला, आपको पूरा आपको एक्सप्लेन करके पूरा आपको डीप में, जिन विद्यार्थियों को इतना समझ में आ गया है बहुत ही अच्छी बात है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। जिन विद्यार्थियों को ये भी समझ में नहीं आया है
तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने अभी लगभग कुछ दिन हो गया, ठीक है, उससे पहले हमने कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपको बेसिक से सिखाया है कि किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे हम संतुलित करते हैं, उसमें हमने बेसिक से हमने समझाया है। तो यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो केवल YouTube पर लिखिए रासायनिक समीकरण संतुलित करना सीखें ब्रदर सर, इतना लिखकर आप सर्च करेंगे, वीडियो हमारा मिल जाएगा YouTube पर, तो वहां से पढ़ाई कर सकते हैं और सीख सकते हैं पूरा बेसिक टू हाई, ठीक है। और जिन विद्यार्थियों की इतना आकर समझ में आ गया है वो मैं कहूँगा कि वो अपना किताब लीजिए और वो उससे आप प्रैक्टिस कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो वहाँ पे आप क्लिक कीजिए और वहाँ से चैप्टर वाइज अपनी पढ़ाई कीजिए। और तीसरी एक और बात, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, स्कूल फ्रेंड्स हैं, ट्यूशन में जो आप जाते हैं पढ़ने, तो उनसे ज़रूर आप बताइए इस चैनल के बारे में, उनसे जो लिंक है उनके पास शेयर कीजिए, उनसे जब भी मिलिए इस चैनल के बारे में बताइए, उनसे भी कहिए कि आप बेसिक से वहाँ से पढ़ाई कीजिए, सही वीडियो उनको मिल रहा है, और कोई भी टॉपिक है तो इस तरीके से सर्च करेंगे तो आपको उनका मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप जानते हैं किस तरीके से आपको बताना है जिससे वो पढ़ाई करें। मैं चाहता हूं कि सभी आगे बढ़ें, ठीक है, जब आप आगे बढ़ेंगे तभी जाकर देश भी आगे बढ़ेगा, ठीक है। कहने से नहीं होता है कि देश आगे बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है, कहने से नहीं, करने से होता है। और मैं यही कहूँगा कि जब शिक्षित रहेंगे सभी व्यक्ति, सभी हमारे देश के जो युवाएँ हैं वो भी शिक्षित रहेंगे, तभी जाकर देश आगे बढ़ने वाला है, ठीक है। तो इस बात पे आपको भी ध्यान देना चाहिए, अदरवाइज चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।